गुरुग्राम के ब्रायर इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न का मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा, दूसरे बार ने ली थी प्रद्युम्न की जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की कोशिश का जिक्र नहीं। ब्रायर स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत पर आज होगी सुनवाई। प्रद्युम्न के स्कूल के गिरफ्तार अधिकारियों की आज कोर्ट में पेशी। एबीपी न्यूज की खबर के बाद जागी सरकार। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर राज्य केंद्र सरकार की बड़ी बैठक। गुरुग्राम के स्कूल में बच्चे के मर्डर पर एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। जी हां, पिछले शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न की गला काट कर हत्या कर दी गई। स्कूल परिसर के अंदर हुए इस घिनौनी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रद्युम्न की हत्या का आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन इस मामले में अभी कई सवाल है जिनका जवाब आपको डॉक्टर का बयान सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने प्रद्युम्न की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। देखिए एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या पोस्टमार्टम में प्राइमरीली दो गिरीज हैं नेक पे, शार्प वेपन गिरीज हैं, बोथ ऑन द नेक, वन इज सुपरफिशियल एंड वन इज डीप एनफ टू पॉज डेथ। क्या इसमें ये भी आया कि यौन शोषण की कोई कोशिश हुई? कोशिश अलग बात है, बट ऐसे फिजिकल फाइंडिंग्स कोई नहीं हुआ। जिस तरह का सर पूरा केस है, तो इसमें मौत की वजह क्या है? मौत की वजह ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। गला कट गया था, मेजर ब्लड प्रेशर वजह वो कट गई थी, खून अधिक बहने की वजह से। जो चाकू दिखाया जा रहा है, क्या वो इस तरह का घाव कर सकता है? हाँ, पुलिस ने उसके बारे में मुझे दिखाया है, चाकू की राय ली है, उससे इस तरह के घाव आने पॉसिबल। कुल मिलाकर के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो वर्जन दिया गया पुलिस की ओर से या जो कंडक्टर ने अशोक ने स्वीकार किया, क्या वो टैली करता है, वो मैच करती है? देखिए, जो वेपन है और जो मैनर ऑफ इंजरीज हैं उससे तो वो टैली करती है। जो छोटा बच्चा है वो बताया जा रहा है कि उसने शोर मचाया तब ये घबरा गया, यानी कि उसने कोशिश करी होगी तब ये घबरा कर इसने चाकू से वार किया होगा। पहला वार हल्का रहा होगा, दूसरा उसके बाद गहरा वार किया होगा जिससे उसके गले की नसें भी कट गई और सांस की नली भी कट गई, उसके बाद वो शोर मचाने की हालत में नहीं रहा। लेकिन जो ये बात कही गई कि यौन शोषण के लिए उसने ये सारी चीजें की, यौन शोषण करने की कोशिश की और उसके बाद वो घबरा गया, तो क्या ये यौन शोषण वाली बात इससे साबित होती है? पोस्टमार्टम में क्योंकि बॉडी पे तो कोई फाइंडिंग है नहीं, वो एक अलग मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी के ऊपर ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं थी जिसमें कि ये पता चले एस्टेब्लिश हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अटेम्प्ट होना एक अलग चीज है, अटेम्प्ट में भी। तो ये वही डॉक्टर दीपक माथुर जिन्होंने मासूम प्रद्युम्न का पोस्टमार्टम किया और उनका ये कहना है कि दूसरे बार में प्रद्युम्न की जान गई और यौन शोषण जैसी जो बात सामने आ रही थी कि उस कंडक्टर की तरफ से कोशिश की गई थी यौन शोषण की, ऐसी कोई फाइंडिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सामने नहीं आई। प्रद्युम्न की हत्या के 4 दिन बाद केंद्र सरकार स्कूल में मासूमों की सुरक्षा पर सचेत हुई है। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तय करने के लिए आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की बड़ी बैठक होगी। स्कूल में मासूमों की सुरक्षा पर जागी सरकार। एबीपी न्यूज की खबर के बाद आज केंद्र सरकार की बड़ी बैठक। 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने गुरुग्राम के नामी रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या का मुद्दा उठाते हुए देश में पब्लिक स्कूलों की हत्यारी तानाशाही के खिलाफ घंटी बजाई थी। अपनी रिपोर्ट में हमने मांग की थी कि महिला और बाल कल्याण मंत्रालय समेत सरकार के दूसरे ऐसे विभागों और मंत्रालयों को स्कूलों में सुरक्षा के मुद्दे पर आगे आना चाहिए, तभी तस्वीर बदल सकती है और स्कूलों में बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला बाल कल्याण मंत्रालय ने साथ मिलकर अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। आज मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी एक उच्च स्तरीय बैठक कर शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। बैठक में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अलावा CBSE, NCERT और केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
बैठक में स्कूल के अंदर बच्चों